आखिर क्यों टिड्डा अपनी और आचे फल को देखकर इतना ज्यादा डर जाता है? जानने के लिए देखते रहे। एक प्यारा टिड्डा जिसे अपने आप में खुश रहना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, वो हमेशा अपनी मन की करता था। पानी में पत्तों के साथ खेलना और हरी घास खाना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। खेलते खेलते उसे पानी में पैर मारना उसे और भी अच्छा लगता है। एक दिन की बात है दोस्तों, जब टिड्डा अपनी मनपसंद पत्ता में जब झूल रहा होता है और अपनी मनपसंद घास खा रहा होता है, तभी उसकी ओर उड़कर आते हुए एक फल उसे नजर आता है, जिसे देखकर टिड्डा अचंभा हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। और उस फल को नजदीक आते देख वह छुप जाता है और उस फल को धीरे से छुप कर देखने लगता है और मन ही मन सोचता है ये फल कैसे अपने आप चल रहा है। तभी कुछ देर बाद हिम्मत करके वो फल के नजदीक जाने की कोशिश करता है। फल के नजदीक जाने के बाद फल एक बार फिर से हिल जाता है, जिसके बाद डर कर टिड्डा उसे पत्थर मारने लगता है। लेकिन इसके बाद होता है ट्विस्ट। फल के नीचे होते हैं प्यारी चींटियां, जिस फल को टिड्डा अपनी ओर आते हुए देख के डर रहा होता है। दरअसल उस फल को चींटियां ठंड के मौसम में खाने के लिए ले जा रहे होते हैं। तो मेरे दोस्तों, छोटी सी चींटियां अपनी भविष्य के बारे में जब सोच सकती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें आने वाले कल के बारे में सोच के रखना चाहिए, ना कि समय बर्बाद करके टाइम पास करना चाहिए।